को मिला। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सीधा ट्रेडिंग पिक्स आपको बताते हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग टू स्टार्ट विथ यू। बताएं आज के लिए ट्रेड स्पेसिफिक कॉल्स कौन सी दे रही हैं आप, और सबसे ज्यादा कन्विक्शन भरी कॉल यानी कॉल ऑफ द डे के साथ आप शुरुआत कीजिए। सबसे पहले मैं एक अदानी एंटरप्राइज रेकमेंड कर रही हूँ 2230 के स्टॉप लॉस के साथ 2380 के टारगेट के लिए। और कल देखा तो एक मेटल पैक जो इतना ओवरसोल्ड था उसमें एक बाउंस बैक आ रहा है, सो टाटा स्टील में एक बाय रहेगा 870 के स्टॉप लॉस 950 का टारगेट। और राइट, तो यहाँ पर स्टील पैक पर कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। टाटा स्टील पर टारगेट 950 का। कल लास्ट आवर में हमने जिस तरह का रीबाउंड देखा पोस्ट द न्यूज तक चाइना के स्टिमुलस वाली बात, और उसके बाद आप सारे स्टील काउंटर, एल्युमिनियम काउंटर क्या दिन में भी चल रहे थे, लेकिन स्टील काउंटर्स में जो रीबाउंड आया टाटा स्टील पर पहली कॉल। चलिए संतोष, आपकी क्या आज की पिक्स? मेरी दो कॉल्स है, जिसमें से मेरी कॉल ऑफ द डे BEL है। BEL का स्ट्रक्चर देखे तो ब्यूटीफुली अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा बेस क्रिएट किया, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, और कल अपने ये सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे और फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, या इमीडिएटली 243 का टारगेट नजर आता है, 233 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक VIP इंडस्ट्री है। VIP इंडस्ट्री का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, पिछले कुछ दिनों पहले इसमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था, फिर उसके बाद एक पुलबैक देखने को मिला, और पुलबैक के दौरान इसने अपने एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के क्लस्टर को रिटेस्ट किया और वापस बाउंस बैक दिखा रहा है। तो यहाँ फिर से तेजी रिज्यूम होते नजर आएगी, तो यहाँ पे 660 का टारगेट है, 600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और राइट, ये आपकी कॉल्स है। कविता, आपके क्या होंगे आज की ट्रेडिंग बेट्स? तो फर्स्ट मेरी लिस्ट में है HDFC बैंक। तो ये अपने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे है प्राइस चार्ट पे, तो और जो कि प्राइवेट बैंकिंग में हम एक अच्छा स्कोप देख सकते हैं, तो इस स्टॉक पे मेरा एक पॉजिटिव आउटलुक है। तो इसे इसको हम बाय कर सकते हैं 1380 लेवल्स पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1355 एंड वी कैन सी अ टारगेट ऑफ 1450। और दूसरा स्टॉक है मेरा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया हम अगर देखें तो इसने अच्छा 200 और 150 DMA का सपोर्ट लिया है, हमें एक अच्छा गुड अप मूव दिख सकता है कोल इंडिया में, तो हम एक स्मॉल स्टॉप लॉस लग के इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं लाइक नियर 185 लेवल्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 176 और इसका टारगेट हम देख सकते हैं 208 का। एक और स्टॉक मैं बोलना चाहूंगी वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि जैसे कि हमें न्यूज आई चाइना ने $220 बिलियन का स्टिमुलस किया है, तो वो बॉन्ड सेल कुछ बहुत सपोर्टिव है मेटल सेक्टर के लिए, तो मैं टाटा मोटर पे एक बाइंग देखती हूँ 430 लेवल्स पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 420, बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया है मैंने विद अ टारगेट ऑफ 460। तो ये पर्टिकुलरली कॉल ऑफ द डे है मेरे। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है। आपका कॉल ऑफ द डे बहुत ही इंटेलिजेंटली चुना हुआ M&M आपका टाटा मोटर्स है। मैं ये बताऊँ अपने व्यूअर्स को कि टाटा मोटर्स पहली कंपनी थी जिसने EV में अपने EV के कारोबार में स्टेक सेल किया था, और वो तब किया था जब वो ऑलरेडी EV व्हीकल रोड पे उतार चुकी थी। M&M ने जो अनाउंस किया है उसमें उनका एक कॉन्सेप्ट व्हीकल भी किसी ने देखा नहीं है, तब उसकी $10 बिलियन की वैल्यूएशन लग रही है, जबकि टाटा मोटर्स की EV आर्म की भी $10 बिलियन वैल्यूएशन लगी थी जब उसने गाड़ियां ऑलरेडी उतार ली थी सड़कों पे। और ये स्टॉक बाकी ऑटो स्टॉक से बहुत अंडर परफॉर्म किया है, तो इस समय इसके अंदर जो मिस कर गए थे ऑटो की रैली पीछे, वो अब इसके अंदर काफ़ी अच्छी पोजीशन ले रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक खबर आ रही है। जापान